देखिए, ये एक सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की वानगी है कि केंद्र के मोदी सरकार के एक मंत्री पर और एक सांसद पर, गठबंधन के सांसद पर हमला होता है और राजस्थान की सरकार चुप्पी साधे बैठी है। ये तो दीगर बात है कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेके आए हैं और इसमें केंद्र की सरकार जो भी इंटरवीन करके जो कार्रवाई करेगी वो तो निश्चित रूप से करेगी, लेकिन सरकार का इस मामले में राजनीतिक द्वेष साफ तौर पर दिखता है कि व्यक्ति कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन जनप्रतिनिधि की सुरक्षा की गारंटी सरकार को देनी चाहिए, उसके मामले में कोई ना कोई सकारात्मक काम करना चाहिए। मैं अब ये कहूँ कि बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हैं तो ये तो देशव्यापी समस्या है, क्योंकि राजनीति या भजन मंडली तो है नहीं, यहाँ आपस में मतभेद भी हैं। लेकिन मैंने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग अपने संगठन को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त करें, कुछ ऐसे मनभेद तो नहीं है लेकिन मतभेदों को हम लोग दूर करें, तो ये एक अच्छी सलाह, नेक सलाह आपकी, और आपकी सलाह से भी कुछ जनता और कार्यकर्ताओं की मदद से एक अच्छा संगठन तैयार हो, इसकी कोशिश करेंगे।